कोविड-19 टीके की तीसरी बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से होने वाले संक्रमण के मामलों में 70-75% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को ये कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंता जाहिर कर चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण को काफी अहम बताया है। एजेंसी ने नवीनतम तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका भारत में कोविशील्ड नाम से और फाइजर बायोटेनिक टीके की दो खुराक मौजूदा समय में सबसे अधिक प्रसारित कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मुकाबले लक्षण वाले संक्रमण में बहुत कम सुरक्षा देती है। हालांकि देखा गया है कि तीसरी खुराक वायरस के नए स्वरूप के प्रति रोधक क्षमता को मजबूत करती है। यह अध्ययन ओमिक्रॉन के 581 मामले के विश्लेषण पर आधारित है। UKHSA ने कहा कि मौजूदा रुझान में बदलाव नहीं होता है तो इस महीने के अंत तक ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी। एजेंसी ने कहा कि टीके प्रभाव को लेकर शुरुआती आंकड़ों से लगता है कि वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ बूस्टर खुराक शुरुआती दौर में अधिक प्रभावी है और करीब 70-75% तक लक्षण वाले संक्रमण में सुरक्षा प्रदान करती है। वायरस के स्वरूप के शुरुआती अध्ययन पर आधारित होने की वजह से सभी आकलनों में अनिश्चितता है। इसराइल में हुए एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की तीसरी खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप से होने वाली मृत्यु दर को 90% तक कम कर सकती है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में गुरुवार को प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्ट में कहा गया कि अध्ययन में 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग शामिल थे जिन्हें कम से कम 5 महीने पहले फाइजर के टीके की दो खुराक मिली थी। अध्ययन में शामिल 8,43,208 लोगों को दो समूह में शामिल किया गया। इनमें से एक समूह में अध्ययन के दौरान बूस्टर खुराक लेने वाले लोग शामिल थे जबकि दूसरे समूह में ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें बूस्टर खुराक नहीं मिली थी। इन दोनों समूहों के अध्ययन परिणामों की एक दूसरे से तुलना की गई। क्लैरिट स्वास्थ्य सेवा और इसराइल के बेन गुरियान विश्वविद्यालय ने अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन में सामने आया कि फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप से होने वाली मृत्यु दर को 90% तक कम कर सकती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।